मकर राशि वालों 2022 में नसीब चमकने से आ रहा है महाबदलाव। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। मकर राशि वालों, पिछले कुछ सालों से कुछ महीनों से जो हो रहा है उनसे आप थक गए हैं। नौकरी में परेशानी, व्यवसाय में घाटा, पारिवारिक एवं कुटुंब में तनाव, संपत्ति विवाद, परिवार से अलगाव, भेद विरोध, रुपये पैसे को लेन देन को लेकर तकरार, दुर्घटना, मान सम्मान की कमी, आकस्मिक नुकसान, राजनीति में असफलता, कार्य की कमी, सौंदर्य अभिनय कला होने के बावजूद भी शुभ अवसर न मिलना, नौकरी के लिए विदेश जाने के लिए आवेदन मंजूर न होना, कार्य जीवन में जो भी असमंजस की स्थिति चल रही तो उनसे अब मुक्ति मिलने वाली है। दोस्तों, मैंने राजनीति को लेकर, कोविड-19 को लेकर, चक्रवात को लेकर, भूकंप को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है और यह सच भी हुई है। आप हमारे पुराने वीडियो में देख भी सकते हैं। आज भी मैं आपके लिए मकर राशि को लेकर 2022 की सबसे बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक जरूर देखिएगा। आपके जीवन में बदलाव का मुख्य कारण होगा ग्रहों की स्थिति, क्योंकि नौकरी के कारक सूर्य 15 जनवरी से आपके देह भाव में भ्रमण का प्रारंभ करेंगे। 3 मार्च से मंगल, बुध, शुक्र, शनि आपकी कुंडली में जय भाव के, भाग्य भाव के, कर्म भाव के, सुख भाव के लोड होकर लग्न भाव में चतुर्ग्रही राजयोग बनाएंगे। तो उच्च पद के दाता गुरु ग्रह 12 अप्रैल से वृष भाव के लोड होकर पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। इसके आधार पर हम जरूर कहेंगे किस्मत का खेल शुरू होने वाला है। तो आइए जानते हैं मकर राशि का करियर राशिफल। करियर राशिफल 2021 मकर राशि के लिए आशाओं की उम्मीदों की किरण लेकर आ रहा है। इस वर्ष के प्रारंभ से ही आपको ढेर सारी खुशियां मिलना शुरू हो जाएगी। नौकरी पेशा वाले जातकों की शुरुआत ही मजबूती से होगी। आप खूब मन लगाकर लगन से कार्य करेंगे, जिसका ही नतीजा आपको सम्मान और प्रतिष्ठा से प्राप्त होगा। आपकी गिनती संस्थान के मजबूत स्तंभ में हो सकती है। तो उच्च अधिकारी एवं कर्मचारी भी आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। 2022 का नया साल नौकरी के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। खासकर से जो लोग खुद का व्यापार कर रहे, खुद का बिजनेस चला रहे, उनका वर्ष प्रारंभ धमाकेदार होने जा रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च से खूब धन मिलेगा। आप जिस योजनाओं को लेकर आगे बढ़ रहे उसका भी खूब फल प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव की कृपा के चलते इस वर्ष में आपके कार्य क्षेत्र में काफी बदलाव नजर आएगा। आपकी कार्य करने की शैली में परिवर्तन होगा और जिसके चलते आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। विशेष रूप से वह जातक जो छोटे मोटे कार्यों से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस पूरे साल के दौरान रोजगार के अवसर प्राप्त होते रहेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आपकी मजबूरी मेहनत का उचित फल प्राप्त होगा, धन की आवक लगातार बनी रहेगी, जिसके कारण पूरे वर्ष निश्चित होकर सुख के साथ जीवन व्यतीत कर सकेंगे और भविष्य की योजनाओं को भी सफल कर पाएंगे। जी हाँ, 3 मार्च के बाद एक परिवर्तन योग बन रहा है, जिसके कारण नौकरी और बिजनेस दोनों में ही धन का लाभ हो सकता है। यदि आप एक बड़े व्यवसायी हैं तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त कर पाएंगे, नए अनुबंध से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। तो वही नौकरी पेशा जातक भी इच्छित स्थानांतरण प्राप्त कर पाएंगे। व्यापारी जातक दूर दराज लोगों के साथ बिजनेस से संपर्क कर पाएंगे। फिर भी इस साल में आपको उधार देने से परहेज करना होगा। एक बात तो तय है, जो कपड़े का व्यापार कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेच रहे हैं, लकड़ी के कारोबार से जुड़े हुए हैं, टूरिज्म विभाग से जुड़े हुए हैं, डेयरी उत्पाद एवं खनन संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो यकीन मानिए इस वर्ष आपका न केवल संपर्कों का दायरा बढ़ेगा किंतु अपने कार्य के दम पर अप्रत्याशित रूप से धन प्राप्त कर पाएंगे, जिसके कारण इस वर्ष के अंत तक खुद की दुकान, मकान, प्रॉपर्टी या फिर बिजनेस का आधार स्तंभ खड़ा करने में भी सफल रहेंगे। फिर भी ध्यान रखें, जल्दीबाजी और क्रोध करने से आपको बचना होगा, वरना आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। मकर राशि वालों, कुंडली में कई ऐसे ऐसे दुर्योग है जो जातक की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते, इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। खासकर मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर कार्य के लिहाज से बढ़िया लाभ प्रदान करेगा। भूमि, शेयर, सोना, चांदी आदि जैसे कार्यों से जुड़े जातक भी अधिक मुनाफा प्राप्त कर पाएंगे। इस बीच सबसे बड़ा लाभ नौकरी पेशा जातकों को प्राप्त होगा, जो कई सालों से एक ही पद पर विराजमान है, योग्यता होने के बावजूद भी बड़ा पद नहीं मिल रहा है या फिर प्रमोशन रोक दिया गया है, तो इस वर्ष के अंत तक आपको पद सम्मान अवश्य प्राप्त होगा। तो वही जो सरकारी मुलाजिम है, बड़े पद पर कार्यरत है, वह भी बड़े लाभ के लिए तैयार हो जाइए। जहां ऑफिस का आंतरिक वातावरण इस पूरे वर्ष
आपके अनुकूल रहेगा तो व्यापार और कार्य क्षेत्र में आपके शत्रु परास्त होंगे, वह चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यश भाव के लोड होकर शुक्र लग्न में स्थित होने के चलते सबसे बड़ा लाभ बॉलीवुड एवं फिल्म जगत से जुड़े जातकों को प्राप्त होगा, जहां इस समय आपके करियर की गाड़ी फिर से पटरी पर लौटती नजर आएगी। जी हां, कला संगीत सिनेमा अभिनय एवं रंगमंच से जुड़े मकर राशि के हर कलाकार लाभ लेने के लिए तैयार हो जाइए। आपको OTT प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया जा सकता है तो बड़े बैनर के तले कार्य भी मिलेगा। यहां तक बड़ी अपॉर्चुनिटी के चलते आप फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम बढ़ा सकते हैं, बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा सकते हैं, कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकते हैं। मकर राशि वालों का यह वर्ष आपके लिए उन्नति का होगा, इसलिए जितना आप इस वर्ष में समय का सदुपयोग करेंगे इतना ही आपको फल मिलेगा। 6 फरवरी से 23 मई और 7 जुलाई से 9 सितम्बर का समय आपको आकस्मिक धन प्रदान करेगा। इस पूरे वर्ष धन वृद्धि के शुभ संयोग बनेंगे। धन वृद्धि अच्छी होगी तो पुराने निवेश से भी आपको लाभ प्राप्त होगा, खासकर से जिन्होंने शेयर बाजार गोल्ड क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा दिया है तो 2022 में वह आपके लिए सपने जैसा फल प्रदान कर सकता है। यहाँ पर शुभ संयोग के चलते हम जरूर कह सकते हैं कि आप हर प्रकार के प्रोजेक्ट आसानी से पूर्ण कर पाएंगे। विशेषकर से जो साझेदारी से कार्य करते हैं उनके लिए भी लाभदायक स्थितियां बनेगी, तो नौकरी के अलावा कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। आप एक से अनेक जगह से पैसा कमाना चाहते हैं तो मौके मिलेंगे। किसी पिता तुल्य व्यक्ति की मदद से आप आगे भी बढ़ सकेंगे। तो वही इस वर्ष में समय समय पर रत्नात्मक प्रोजेक्ट में निवेश द्वारा भी आर्थिक सफलता हासिल कर पाएंगे। पैसा पद प्रतिष्ठा और सम्मान यह सब आपको अवश्य प्राप्त होगा। हालांकि इस वर्ष में मकर राशि के जातकों को सबसे बड़ा लाभ मिलेगा तो वह विद्यार्थी जातकों को। जी हाँ, जो लोग विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं वह सफल रहेंगे। वहाँ पर पढ़ाई के साथ कार्य भी करने का अवसर मिलेगा, तो उसके साथ साथ आर्किटेक्ट, फैशन डिजाइनिंग, पेंटिंग, सिनेमेटोग्राफी, मोशन पिक्चर से जुड़े हुए हैं, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, डॉक्टरी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि से जुड़े हुए हैं, विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी है, IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो आप भी जीवन के महत्वपूर्ण पद प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। महत्वपूर्ण सुख प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि किस्मत आपके लिए तैयार खड़ी हुई है, बस इंतजार है तो आपको मिले हुए मौकों को हाथों हाथ लेने का। मकर राशि के जातक कार्य की तलाश में है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं। योग्यता काबिलियत होने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिल रही है, कार्य के अवसर नहीं मिल रहे हैं। आवेदन तो दे दिए हैं, कई जगह दे रखा है लेकिन स्वीकार नहीं हो रहा है। जॉब इंटरव्यू में असफलता का सामना करना पड़ रहा था, तो अब इन सारी परिस्थितियों से आप बाहर निकलेंगे और आपको कार्य मिलेगा, नौकरी मिलेगी, चाहे वह छोटी संस्था हो, छोटा उद्यम हो, व्यवसाय हो या फिर सरकारी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो या फिर इंटरनेशनल कंपनी। आप इस 2022 के साल में कार्य से अवश्य जुड़ेंगे। और जो जातक अपनी नौकरी में परिवर्तन कर चाहते हैं, अधिकारी के कारण, मानसिक परेशानी के कारण, कार्य के बोझ के कारण जॉब चेंज करना चाहते हैं तो वह भी संभव है। आप अपनी जॉब से भी अच्छी जॉब ढूंढ पाएंगे, अवसर मिलेंगे, आप वहां कार्य भी शुरू कर देंगे। चतुर्ग्रही राजयोग के चलते उद्यमी, व्यवसायी और व्यापारी जातकों के पुराने दिन वापस आने वाले हैं। या आप समझ कर चल सकते हैं कि पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट दोबारा शुरू हो सकते हैं। शासन प्रशासन से जुड़ी हुई मंजूरी मिलेगी, लंबित कार्य पूर्ण होंगे तो व्यवसायिक जातकों को यात्राओं से छोटे मोटे लाभ भी मिलते रहेंगे। फिर भी दोस्तों, इस साल में कार्य क्षेत्र में बातचीत द्वारा मामलों को सुलझाने की कोशिश करने की भी आवश्यकता रहेगी। आर्थिक स्थिति संभालने की आवश्यकता रहेगी। रास्ता भटकने पर, दुविधा की स्थिति में, असमंजस की स्थिति में और सही राह पर जाने के लिए कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय गुरुदत्त।